सुन चुके हैं हम ये चीज, बट बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेबिट नोट क्या होता है, ये क्रेडिट नोट क्या होता है, सर हम कब सुन चुके हैं? सब्सिडरी बुक्स में, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, वही सेम चीज है। बट अब स्पेसिफिकली उसी पे क्वेश्चन की, व्हाट इज अ डेबिट नोट, व्हाट इज अ क्रेडिट नोट? पहले बताता हूँ, डेबिट नोट, डेबिट नोट में क्या होता है, आप ना किसी को डेबिट कर रहे हैं, आप किसी को डेबिट कर रहे हैं, मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। तो जब मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो मैं उसमें लिख रहा हूं कि डेबिट एक्स, आपको डेबिट कर दिया मैंने इतने अमाउंट से, तो समझेंगे इम्पैक्ट क्या होता है। जब मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, जब मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको इतनी पेमेंट कर दी, मैंने आपको इतनी पेमेंट कर दी, या फिर जितने भी मैंने आपके पैसे दे दिए ना, इतने पैसे कट गए उसमें से। तो ये कब होगा? परचेजेस रिटर्न के टाइम। एक एग्जाम्पल है, और भी रीजंस होंगे अभी हम सुनेंगे। एक तो उनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, परचेजेस रिटर्न के टाइम क्या बनता है? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम क्या बनता है? क्रेडिट नोट। तो सर ये तो हमें पता है, और क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर मैं आपको डेबिट कर रहा हूं तो आपने मुझे, मैंने आपसे सामान खरीदा था, मैंने आपसे सामान खरीदा था, आपने एक्सेसिव बिलिंग कर दी। क्या कर दिया आपने? एक्सेसिव बिलिंग कर दी। तो आपने कहा बिल क्या चेंज करना, आप डेबिट नोट इशू कर दो मुझे। तो मैंने आपके, आप 50,000 रुपये का सामान खरीदा था, बिलिंग मैंने कहा सामान देगा, मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये सामान तो 45 का होना चाहिए, आपने एक्सेस बिलिंग की हुई है, तो मैं 5,000 का डेबिट नोट इशू कर दूंगा। 5,000 मैंने काट लिए है आपके, इतने पैसे मैं आपको कम दूंगा। डेबिट नोट, अ डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड, दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। तो अगर मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, मैंने अपनी बुक्स में आपको डेबिट कर दिया है, कैश पेड टू एक्स, तो एंट्री क्या होती है, एक्स डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो एक्स डेबिट कब होता है? जब मेरी लाइबिलिटी टूवर्ड्स एक्स कम हो रही है, या मैं उसको कोई पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, तो मैंने अपनी बुक्स में आपको इतने से डेबिट कर दिया है। रीजन भी आएगा उसमें कि भैया क्यों डेबिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर ऑफ द गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड्स दैट हिज गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। एज अ सेलर आप डेबिट नोट कब इशू करोगे मुझे? आपने मुझे सामान बेचा तो अपनी बुक्स में आपने क्या एंट्री पास करी, दीपक डेबिटेड टू सेल्स, तो दीपक डेबिट करा आपने, आपने कहा भाई साहब मैंने ना गलती से बिल कम का बना दिया है। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, पहले परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल था। आपने कहा कि बिल होना चाहिए था 52,000 का, मैंने गलती से ना 50,000 का बिल बना दिया है, तो मैं ना डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ 2,000 रुपये का, तो आप मुझे डेबिट करोगे, आप मेरे से उतने पैसे और लोगे। तो सेलर डेबिट नोट बना रहा है तो मतलब उसने अंडर इनवॉइसिंग कर दी, परचेजर डेबिट नोट बना रहा है तो मतलब ओवर इनवॉइसिंग हो गई थी। समझ आई बात? सिमिलरली अ परचेजर ऑफ अ गुड विल मेक अ डेबिट नोट इफ द गुड्स हैव बीन ओवर इनवॉइस्ड और ही हैज रिटर्न्ड, परचेज रिटर्न के टाइम द गुड्स टू द सेलर। तो परचेज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट तो हम कर ही चुके थे, ओवर इनवॉइसिंग हो गई है तो भी परचेजर क्या बना के देगा, डेबिट नोट। द अफेक्ट ऑफ अ डेबिट नोट इज दैट अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड और इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी सेटल्ड गुड्स कैन बी परचेज फर्दर विदाउट पेमेंट। तो अगर मैंने आपसे सामान खरीदा 50,000 रुपए का, तो अगर मैं आपको 5,000 का डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, तो आपके अकाउंट में से 5,000 रुपए मैंने काट लिए, इतने पैसे मैं कम दूंगा। पेमेंट अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो डेबिट नोट इशू कर दिया है, कल को जब मैं आपसे सामान खरीदूंगा तो 5,000 का सामान लूंगा, पैसे नहीं दूंगा, इतना एडवांस ऑलरेडी चल रहा है ये मान लिया जाएगा। समझ आई बात? तो डेबिट नोट में डेबिट किया जाता है पार्टी को जिसको भी आप डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो। परचेजर डेबिट नोट कब इश्यू करता है? परचेज रिटर्न के टाइम, और अगर उसके सामान ओवर इनवॉइसिंग हुई है या उसको कम डिस्काउंट मिला जितना ऑफर किया था उससे। सेलर डेबिट नोट कब बनाता है? जब उसने गलती से अंडर इनवॉइसिंग कर ली हो। यही बातें तो याद रखनी है कि कब कब बनता है डेबिट, वरना खुद सोचो ना चेक क्या होता है, ये वो सब तो टाइम पास था,
यार थोड़ा सा तो ध्यान देने वाली चीज है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है कि डेबिट नोट कब इशू होगा, कैसे प्रेपरेशन अगर है तो ही आपके क्वेश्चन होगा। डेबिट नोट बनेगा कैसे, पार्टी का नाम आता है उसमें, रीजन आता है, अमाउंट आता है, डेट तो किसी भी वाउचर पे आएगी आएगी। डेबिट नोट क्लियर, किसी का भाई क्रेडिट नोट। अब आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो ध्यान से देखना, क्रेडिट नोट, अब आप पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, तो जब मैं पार्टी को क्रेडिट कर रहा हूं तो माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टी इज इंक्रीजिंग। एक चीज कि जब मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं तो यहां तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी तरफ, या फिर जो मेरा रिसीवेबल अमाउंट था ना उतने से कम कर दिया मैंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सामान बेचा 50,000 रुपए का, आपने मुझे 5,000 का सामान वापस कर दिया, मैंने आपको सामान बेचा 50,000 का, तो मेरे रिसीवेबल्स कितने होंगे, 50,000। लेकिन अगर आपने 5,000 का सामान वापस कर दिया तो मैं 5,000 मेरे लिए क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जनरल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू द पार्टी, पार्टी क्रेडिट हो रही है ना। तो अब उसके, मैंने आपको सामान बेचा उसका तो इनवॉइस बनाया, बिल बनाया, उसका तो प्रूफ है डॉक्यूमेंट्री, आपने मुझे सामान वापस किया उसका क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने इतना सामान वापस कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या होता है, क्रेडिट नोट में आपको इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा, क्रेडिट नोट, समझ आई बात, क्रेडिट नोट में उतने से आपका अकाउंट सेटल हो गया। दोनों तरीके से हो सकता है ना, दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों में से एक ही करता है। सर आप क्यों क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, वो आपके लिए सेल्स रिटर्न है, उसके लिए तो परचेज रिटर्न है, तो वो तो डेबिट नोट इशू कर चुका है, कह रहे या तो क्रेडिट नोट इशू होगा या डेबिट नोट इशू होगा। कुछ लोग दोनों इशू कर देते हैं कि मेरे लिए मेरा एविडेंस, आपके लिए आपका एविडेंस, कि मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैंने आपके 5,000 रुपए किस बात के कम कर दिए हैं, तो आप मुझे डेबिट नोट इशू करेंगे, मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। अदरवाइज वो चीज डुप्लीकेट में बन रही होती है, उसी में ही साइन लेके अपना, वो भी एक रिकॉर्ड सफिशियंट होता है। तो अगर मैंने क्रेडिट नोट बना दिया तो आपके लिए डेबिट नोट बनाना मैंडेटरी नहीं है, आपने डेबिट नोट बना दिया तो मेरे लिए क्रेडिट नोट बनाना मैंडेटरी नहीं है। बट क्रेडिट नोट में क्या होता है, आप पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट नोट में क्या हो रहा है, आप पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, ऑपोजिट रीजंस, कंप्लीटली ऑपोजिट रीजंस। बड़ी सिंपल सी बात करें तो डेबिट नोट बनता है परचेज रिटर्न के टाइम, क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न के टाइम, वो एक 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 रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं ना। जैसे कि क्रेडिट नोट, मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ तो मैंने आपको कम डिस्काउंट दिया था, ठीक है ना, मैंने आपको कम डिस्काउंट दिया था तो मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सामान बेचा 50,000 रुपये का, तो एक्स टू सेल्स 50,000, आपने कहा यार आपने तो मुझे कहा था इतने का दोगे, आपने तो 50,000 का बिल भेज दिया है। अच्छा, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, क्रेडिट नोट इशू कर दिया आपको 5,000 रुपये का। तो जैसे आपको क्रेडिट नोट इशू करा, आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स मी 5,000 से कम हो गई, या फिर 5,000 का सामान बाद में फिर से ले लेना, पैसे मत देना, फ्री में मिल जाएगा आपको सामान। तो हम जब नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज हम बाद में रिटर्न करते हैं, तो जहां पे रिफंड नहीं होता वहां पे वो हमें क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं कि आप इतने का सामान अब हमसे फ्री में ले सकते हो, क्योंकि पुराना सामान तो आपने वापस कर दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में क्या हो रहा है, इट इज एन एविडेंस दैट अ क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, अ क्रेडिट नोट इज इशू। या तो मैं आपको और डिस्काउंट दे रहा हूँ या आपने मुझे कुछ रिटर्न करी हैं उसके अगेंस्ट। अफेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट क्या होगा, द कस्टमर्स इंडेटेडनेस टूवर्ड्स द कंपनी इज रिड्यूस्ड, और इफ ऑलरेडी सेटल्ड इट विल एनेबल द कस्टमर टू परचेज गुड्स टू द वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट विदाउट एनी फर्दर पेमेंट। क्रेडिट नोट में आता है कि क्रेडिट किसको करा है, क्या डेट थी, क्या रीजन है, क्या अमाउंट, आपके काम की बात, मीनिंग के साथ साथ रीजंस कि कब कब बनता है डेबिट नोट, कब कब बनता है क्रेडिट नोट, पहले भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर परचेजर, तो जब परचेज रिटर्न वो कर रहा है, नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। क्रेडिट नोट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स।
डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन कि भाई साहब आपको डेबिट कर दिया गया है, क्रेडिट नोट इज एन इंटीमेशन कि भाई साहब आपको क्रेडिट कर दिया गया है। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन द परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? डेबिट नोट नंबर, वाउचर की कॉलम में डेबिट नोट नंबर, और सेल्स रिटर्न के लिए बेसिस क्या होता है? क्रेडिट नोट। कोई डाउट? मीनिंग ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट।